हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ विद्यागिरी चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का जो आई हैव ड्रीम है, जिसके लेखक राइटर जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, तो उसी का जो पार्ट 2 है उसका हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने आपको होमवर्क दिया था इसका ट्रू फॉल्स वाला लिखने वाला, तो आई होप आपने इसको लिखा होगा। ठीक है, तो मैं इसका ये ट्रू फॉल्स और आगे इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा, तो वहां पर आप मिला लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो इसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो इसमें मैं पहले ऊपर का समराइज कर देता हूँ थोड़ा 2 मिनट में। तो इसमें वो मार्टिन लूथर किंग जी जो है वो उनके आइडियल ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, और ये जो स्पीच है, ये जो चैप्टर है वो एक स्पीच के ऊपर, स्पीच मतलब भाषण। ठीक है, आपने भाषण सुना होगा अपने स्कूल टाइम में, तो ये एक भाषण है किस चीज के ऊपर, तो जब अमेरिका में काले गोरे का बहुत ज्यादा भेदभाव चल रहा था तो उस समय इन्होंने ये भाषण दिया था। ठीक है, तो उसी के ऊपर है ये। इसमें हमने देखा है कि कैसे कैसे उन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीज से सफर करना पड़ रहा है। ठीक है, भेदभाव से लेकर के, सेग्रीगेशन से लेकर के, रंग भेद से लेकर के, बहुत सारी चीजों से झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था 6 पॉइंट तक, जिसमें बताया गया था कि ना सिर्फ काले लोग बल्कि बहुत सारे जो मतलब उस एरिया में रहने वाले कुछ गोरे लोग भी हैं, उनके साथ भी ऐसा भेदभाव देखने को मिल रहा है। उनको भी पूरा अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उन्हें भी वोट देने तक का अधिकार बहुत लोगों को नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए वो लड़ रहे हैं, उसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं। तो उसी में आगे चलते हैं। एंड और एज वी वॉक, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वी मेक द प्लीज, हम आप लोगों से अपील करते हैं, अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं। ठीक है, क्या अनुरोध करते हैं कि वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें से हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना होगा। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। देर आर दोज हु आर आस्किंग द रिवोल्ट्स ऑफ सिविल राइट्स, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सिविल राइट्स के रिवोल्ट्स हैं। ठीक है, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, जो पूछेंगे कि तुम कब सेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विथ फैटिग्यू ऑफ ट्रेवल, जब तक हमारा जो शरीर है वो थक ना जाए, मतलब तब तक चलते रहेंगे जब तक चलते रहने से हमारा शरीर जो है वो थक ना जाए। कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटल्स ऑफ द हाईवे एंड होटल्स ऑफ द सिटीज, और हमें हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम जो हाईवे के किनारे जो मोटल्स हैं उसमें रुक सकें, और जो होटल्स हैं उसमें, शहर के जो होटल्स हैं उसमें रुक सके। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर गेटो टू ए लार्जर वन, हम तब तक नहीं सेटिस्फाइड होंगे जब तक कि नेग्रो का जो बेसिक मोबिलिटी है, जो नेग्रोज का जो बेसिक अधिकार है वो ना मिल जाए, चाहे वो स्मॉलर गेटो, एक छोटा सा गाँव से लेकर के बड़े शहर तक। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज ए नेग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट, हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि जो मिसिसिपी में रहने वाला एक नेग्रो है, नेग्रो जनरली जो काले लोग जो अमेरिका में थे उनको नेग्रो बोला जाता था। ठीक है, जो मिसिसिपी में रहने वाले नेग्रो हैं वो वोट, जब तक उन्हें वोट देने का अधिकार न मिल जाए। एंड ए नेग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट, और तब तक नहीं सेटिस्फाइड होंगे जब तक कि जो ये नेग्रो है जो न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके वोट देने से फर्क पड़ता है, ये अधिकार उन्हें तब तक जब तक नहीं मिलता है तब तक नहीं सेटिस्फाइड होंगे। नो नो, नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं है। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर एंड रिचेसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम, हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि जो न्याय है वो पानी की तरह ना बहे, और जो धर्म और जो न्याय रूपी धर्म है वो एक धारे की तरह ना बहे। ठीक है, आई एम नॉट अनमाइंडफुल अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ योर ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कोशिश की होगी, बहुत सारी मुसीबत झेले होंगे, ट्रायल्स
ट्रिबुलेशन मीन्स मुसीबत, ठीक है। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल, हाँ आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मुसीबत नहीं झेले होंगे, अभी फ्रेश होंगे, ठीक है, जिन्हें अभी आपको इस सब की बारे में जानकारी नहीं होगी, ठीक है। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर यू योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड बाई द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन एंड स्ट्रगल बाई द विंड्स ऑफ द पुलिस ब्रुटैलिटी। सम ऑफ यू, आप में से कुछ, कम फ्रॉम एरियाज, ऐसे एरिया से आए होंगे वेयर, जहाँ योर क्वेस्ट मतलब आपका जो क्वेश्चन है फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, लेफ्ट यू बैटर्ड, उसको घिसा पीटा गया होगा बाय द स्टॉर्म ऑफ पर्सिक्यूशन, पर्सिक्यूशन उत्पीड़न के स्टॉर्म से, तूफान से, और स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी, और आपको सवाल करने पर पुलिस की जो कठोरता रही है, निर्दयता रही है, उससे आपको रोक दिया गया होगा। यू हैव बीन द वेटरनेस ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप इस सफरिंग का बहुत बड़ा ये रहे हैं, मतलब कि मरीज रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी है, तो अपने राइट को बिना लिए हुए मत रुकिए। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न सफरिंग इज रिडेम्पटिव, हमेशा इस मकसद से हमें करते रहना है कि जब तक कि इस सफरिंग से हमें छुटकारा ना मिल जाए, रिडेम्पटिव मतलब छुटकारा ना मिल जाए, ठीक है। गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अलबामा, गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लोशिनिया, गो बैक टू स्लम्स एंड गेट्स ऑफ आवर नॉर्थन सिटीज। इसे बताया गया है कि आप भिन्न भिन्न जगह आप जाकर देखिए कि वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि आप मिसिसिपी जाइए, अलाबामा जाइए, जॉर्जिया जाइए, लोशिनिया जाइए, स्लम्स जाइए, स्लम्स मतलब जो तो काफ़ी काफ़ी बद से बदतर एरिया, ठीक है, उसको स्लम कहा जाता है, एंड गेट छोटे छोटे गाँव जाइए, ये सब जगह नॉर्थर्न सिटीज है, ठीक है, नॉर्थर्न सिटी में आप जाइए। नोइंग दैट समहाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, ये जानते हुए कि वहां पर कैसे भी करके सिचुएशन हो सकता है कि बदलेगा। लेट अस नॉट वेलो वेलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, हमें ये जो निराशा की ठोकरे हैं उसमें हमें नहीं खोना है, ठीक है, हमें अपनी होप जगाई रखनी है, हमें उन सारे को कि जो आशाएं हैं उसे जगाए रखना है, हमें अपना अधिकार लेना है। आई से टू यू टूडे माई फ्रेंड्स, मैं आज तुम लोगों को बताता हूँ मेरे दोस्त, दैट इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, इन स्पाइट मतलब बावजूद, ठीक है, कठिनाइयाँ और फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या बोलते उसको, गुस्सा, ठीक है, कठिनाइयाँ और गुस्सा होने के बावजूद, इन स्पाइट मतलब के बावजूद ऑफ द मोमेंट, इस मोमेंट का, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, इस सब होने के बावजूद मतलब वहाँ की स्थिति इतनी खराब होने के बावजूद भी मेरा एक सपना है कि हमारा देश कहाँ रहेगा, हमारा जो क्षेत्र है वो किस स्तर तक बढ़ सकता है, ठीक है, तो वो क्या मेरा सपना है, वो कैसे होगा, मैं उसे बताना चाहता हूँ। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और ये एक ऐसा सपना है जो कि अमेरिका का सपना है, ना सिर्फ मेरा बल्कि ये अमेरिका का सपना है, अमेरिका के जड़ का सपना है, ठीक है, अमेरिका के हर नागरिक ये सपना देखता है, तो मैं उसे ही बताने के लिए यहाँ पर हूँ। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. मुझे मेरा ये सपना है कि एक दिन ये राष्ट्र जगेगा और ऐसी जिएगा जो इसका सही मतलब है, ठीक है, जो इसका जीने का सही मतलब है। We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. और हमें इस सच्चाई से रूबरू रखना चाहिए, खुद को खुद गवाह रखना चाहिए कि सारे मेन जो है वो इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो उसके बाद बाड़मा, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑल ऑन द रेड हिल्स ऑफ जर्जिया द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैब्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैब ऑनर्स विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट ए टेबल ऑफ ब्रदरहुड। मेरा एक सपना है कि एक दिन जो जॉर्जिया का रेड हिल्स है उसमें जो फॉर्मर स्लेव्स है, जो गुलाम है उनके बेटे और जो गुलामों के मालिक हैं उनके बेटे, वो साथ बैठ करके भाईचारा की कुर्सी पर बैठे, भाईचारा के टेबल पर बैठे, ठीक है। आई वुड ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी अ डिजर्ट स्टेट
sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. मुझे एक सपना है कि एक दिन, one day, एक दिन, even the state of Mississippi का ऐसा स्थिति होने के बावजूद भी, जहाँ पर desert है, मतलब रेगिस्तान है, sweltering with the heat of injustice and oppression, वहाँ पर अन्याय और उत्पीड़न का आग बरसता है, ठीक है, वो भी एक दिन oasis of freedom and justice, एक दिन स्वतंत्रता का समुद्र रहेगा, स्वतंत्रता की वहां पर हवाएं बहेंगी, ठीक है, न्याय की हवाएं बहेगी और वो भी एक सुरक्षित जगह होगा. उसके बाद आई हैव अ ड्रीम दैट माय फोर चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर. मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है कि दैट मतलब कि माय फोर चिल्ड्रन, मेरे जो आने वाले बच्चे हैं, फोर चिल्ड्रन मतलब चार बच्चे भी हो सकते हैं या फिर आने वाले बच्चों को भी फोर चिल्ड्रन भी बोला जाता है, ठीक है, जो आने वाले बच्चे हैं वो एक दिन विल वन डे, वो एक दिन लिव इन ए नेशन, एक ऐसे राष्ट्र में रहेंगे वेयर, जहां दे विल नॉट बी जज्ड, वहां जहां उनको जज नहीं किया जाएगा, जज मतलब मापा नहीं जाएगा, बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, उसके चमड़े के कलर से उसको नहीं नापा जाएगा, बट जबकि बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उसके जो चरित्र है, उसके जो मेहनत है, उसके हिसाब से उसको मापा जाएगा, उसके हिसाब से उसको कद मिलेगी, उसके हिसाब से उसको इज्जत मिलेगी, ठीक है. आई हैव अ ड्रीम टूडे, मुझे आज एक सपना है, मेरी यह एक आज ख्वाहिश है, ठीक है. आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा हूज गवर्नर स्लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशंस एंड नलिफिकेशन विल बी ट्रांसफर्ड इनटू अ सिचुएशंस वेयर द लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विद द लिटिल व्हाइट बॉयज एंड White girls and walk together as sisters and brothers. मेरा एक सपना है कि एक दिन, one day, एक दिन the state of Alabama, Alabama जो एक state है, जिसका governor का जो lips है, lips मतलब होंठ, ठीक है, वो presently dipped है with the words of interpositions and nullification, जो अपने पद की कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी वह भी will be transferred into a situation, वो भी एक ऐसी स्थिति में बदलेगी जहाँ छोटे छोटे जो ब्लैक बॉयज हैं, मतलब जो ब्लैक बॉयज हैं और जो ब्लैक गर्ल्स हैं, वो छोटे व्हाइट बॉयज और व्हाइट गर्ल्स के साथ हाथ मिला सकेंगे और उनके साथ एक दूसरे के साथ वॉक कर सकेंगे, टहल सकेंगे, ठीक है, भाई बहन की तरह. आई हैव अ ड्रीम टूडे, यह मेरा एक, यह आज मेरा एक ख्वाब है, ठीक है, जो कि कल सच हो सकता है. आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. मेरा एक सपना है कि एक दिन सारा जो वैली है वो एक समतल दिखेगा, हर पहाड़ और हर छोटा से छोटा पहाड़ और बड़ा से बड़ा पहाड़ एक दिन हमारे सामने झुकेगा, ठीक है, और सब बराबर में मिलकर रहेंगे, मतलब यहाँ पर पहाड़ और वैली का मतलब जो काले गोरे के बीच में जो भेदभाव है, ऊपर नीचे है, उसको लेकर के वो बताए हैं, ठीक है, कि जो भी असमता है, असमतल है, वो सारे समतल दिखेंगे, सारे बराबर दिखेंगे, ठीक है. द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, जो भी ऊबड़ खाबड़ है वो प्लेन तुम्हें दिखेंगे. एंड द कुक प्लेस विल बी मेड स्ट्रेट, और जो बहुत ज्यादा मतलब उबड़ खाबड़ है वो सीधा सीधा हो जाएगा. एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और जो भगवान की जो व्याख्याएं हैं उनके बारे में सच्चाई सबको पता चलेगी, रिवील होगा कि भगवान की क्या ख्वाबें थी, भगवान क्या चाहते हैं, वो सबको पता चलेगा. एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर, फ्लेश मतलब मांस होता है, ठीक है, यहाँ पर फ्लेश का मतलब आदमी से है, मतलब जीव, मतलब मांस जनरली जीवों का होता है, ठीक है, तो सारे जीवें बराबर देखे जाएंगे, सारे जीवें एक साथ देखे जाएंगे, मतलब काले गोरे सब प्रकार के लोग, किसी प्रकार से अलग नहीं किया जाएगा, अलग बांटा नहीं जाएगा, तो वही है कि ऑल फ्लेसेस सेल सी इट टुगेदर, सारे मांस से मतलब सारे प्रकार की मांस, सारे प्रकार के लोग, सारे प्रकार के जीव एक साथ दिखेंगे. उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा, चार क्वेश्चन आंसर है, आगे छोटा सा है तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है. तो दिस इज आवर होप,
यह मेरा आशा है, होप मतलब आशा, दिस मतलब यह, इज मतलब है, आवर मतलब हमारा, होप मतलब आशा, यह हमारा आशा है। दिस इज द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, यही मेरा एक विश्वास है जिसके साथ मैं दक्षिण की ओर लौटा हूँ। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप। और इसी फेथ से, इसी भरोसे से हम यहाँ पर जो मतलब निराशा का जो पहाड़ है, जो पहाड़ लगे हुए हैं, उसे हम काट सकते हैं अपने इस छोटे से उम्मीद नाम की कुल्हाड़ी से, उसे हम काट सकते हैं। यू मतलब कुल्हाड़ी से काटना, ठीक है। तो आशा नाम का जो कुल्हाड़ी है उसे हम काट सकते हैं, ये बड़े से जो पहाड़ नाम की निराशा है हमारे सामने। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशंस इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। और इसी होप के साथ हम अब जो हमारे बीच का ये जो जैंगलिंग डिस्कॉर्ड है, मतलब झगड़ालू वाद विवाद वाले जो स्थिति पैदा हुए हैं हमारे देश में, उसको हम एक बहुत ही सुंदर एक सुर ताल में गाने वाले भाईचारा नाम की ध्वनि में, धुन में जोड़ना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टूगेदर, इसी विश्वास से हम एक दूसरे के साथ काम करने के लायक हो जाएंगे, हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे। टू प्रे टूगेदर, एक दूसरे के साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे। टू स्ट्रगल टूगेदर, एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करेंगे, मतलब कोई भी मुसीबत आएगी तो उससे झेलेंगे। टू गो टू जेल टूगेदर, एक दूसरे के साथ जेल जाएंगे इसी होप से। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टूगेदर, और फिर से स्वतंत्रता के लिए खड़े होंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, यह जानकर कि एक दिन हम आजाद होंगे। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन विल बी एबल टू सिंग विद अ न्यू मीनिंग, और यह वह दिन होगा, दिस विल बी द डे, यह वह दिन होगा जब, व्हेन मतलब जब, ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन, जब भगवान का हर बच्चा विल बी एबल टू सिंग, यह गा सकेगा विथ ए न्यू मीनिंग, एक नया मीनिंग के साथ, कि माई कंट्री इज ऑफ द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ द आई सिंग, मेरा देश एक बहुत ही प्यारा धरती है स्वतंत्रता की, स्वतंत्र धरती है, ठीक है। और उसके ऊपर वो गाएंगे, लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, एक ऐसा जगह जहाँ पर मेरे पिता मरे, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स ब्राइड, एक ऐसा जगह जहाँ पर गर्व से लोग जीते हैं। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम लीग, और इसलिए हर तरीका से, हर पहाड़ियों से, हर तरह से स्वतंत्रता की गूंज सुनाई देंगी। एंड इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू, और अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो ये दिस मस्ट कम ट्रू, ये जरूर होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के अमेरिका एक महान राष्ट्र बनेगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायर, तो इसलिए जो स्वतंत्रता की जो घंटी है वो उसे अब बजाई जानी चाहिए, कहाँ से, हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, मतलब न्यू हैम्पशायर के हिल टॉप से, मतलब कहने का मतलब है कि सभी जगह से स्टेप उठाया जाए, सभी जगह से लोग आगे बढ़े, ठीक है। तो उनमें पहला ये है कि न्यू हैम्पशायर का जो हिल टॉप है वहां से भी लोग स्वतंत्रता की नारा लगाएं। लेट फ्रीडम रिंग्स फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का जो माइटी माउंटेन्स है वहां से लोग आवाज लगाएं स्वतंत्रता की, कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइनिंग एलेगनीज ऑफ पेंसिल्वानिया, स्वतंत्रता की आवाज जो बहुत ऊंचे ऊंचे जो एलेगनीज है पेंसिल्वानिया के, वहां से आए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, जो कोलोराडो के रॉकीज है उसके बीच से स्वतंत्रता की गूंज आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वाक्यूस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के जो कर्वाक्यूस पीक्स है उस जगह से स्वतंत्रता की गूंज आनी चाहिए। बट नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ इतना, लेट फ्रीडम रिंग्स फ्रॉम द स्टोन माउंटेन्स ऑफ जॉर्जिया, सिर्फ इतना ही नहीं, स्वतंत्रता की आवाज जो स्टोन माउंटेन है जॉर्जिया का वहां से भी आना चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टिनीज, टिनीज की जो लुक माउंटेन है वहां से भी आना चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मॉल हिल ऑफ मिसिसिपी, स्वतंत्रता की जो रिंग है वो मॉल हिल मतलब मिसिसिपी की हर हिल से, और मॉल हिल से भी जो छोटे छोटे हिल है उससे भी इसकी आवाज आनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, सभी माउंटेन साइड से ये फ्रीडम स्वतंत्रता की आवाज आनी चाहिए।
When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every estate and every city, we will be able to speed up that the day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholic, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. जब सभी जगह से स्वतंत्रता की आवाज गूंजेगी, जब सभी जगह से हर एक गांव, हर एक छोटे से छोटे गांव, हैमलेट मतलब छोटा से छोटा गांव, बहुत छोटा गांव, बहुत छोटे से छोटे गांव से लेकर के हर बड़ा से बड़ा स्टेट, राज, शहर, सभी जगह से लोग जुड़ने लगेंगे, और जब भगवान, जो हम भगवान के बच्चे हैं, चाहे वो ब्लैक मैन हो, व्हाइट मैन हो, चाहे वो ज्यूज हो या फिर जेंटिल्स हो या प्रोटेस्टेंट्स हो या कैथोलिक हो, वो सब साथ मिल करके, हाथ जोड़ करके और गाने गाएंगे लास्ट में, तब जा करके किस चीज का गाना, द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नेग्रो स्पिरिचुअल कि फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, अंततः हम फ्री हुए, अंततः हम फ्री हुए, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट, उस विशाल भगवान का बहुत शुक्रिया कि हम लास्ट में फ्री हुए, स्वतंत्र हुए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, और आप लोग इसका जो ये तीन क्वेश्चन है वो, और यहाँ पर चार क्वेश्चन है वो, और अगर आपने ये नहीं किया है तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में कराएंगे, और हाँ बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बब्बर, टेक केयर, जय हिंद।